में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद ही ये नहीं जानते कि एक ऐसा भी पंछी होता है जो पेड़ों पर नहीं बैठता। ये पंछी अपना घोंसला तक पेड़ों पर नहीं बनाता। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आइए तो मैं आपको बताता हूँ वो पंछी कौन सा है। आमतौर पर पंछी आसमान में उड़ते हैं, पेड़ों पर उनका बसेरा होता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार धरती पर पंछियों की 9 से 10 हज़ार प्रजातियां हैं। इन सभी में हर प्रजाति के पंछियों की अलग अलग खासियत होती है। इनके आकार, रहन सहन, रंग रूप, भोजन और क्षमताओं में भी अंतर देखने को मिलता है। कुछ लंबी और ऊंची उड़ान भी भर सकते हैं तो एक छोटी और नीची उड़ान भरने के लिए बने हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे पंछी के बारे में बताने जा रहे हैं जो चलता भी है, उड़ता भी है, लेकिन कभी पेड़ पर नहीं बैठता। शायद बहुत से लोगों ने इस पक्षी को अपने आसपास देखा भी होगा, खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों ने। इस पंछी का नाम है रेड वॉल्टर्ड लैपविंग। इस पंछी को साइंटिफिक रूप से विनेलस इंडक्स कहा जाता है। शायद आप अभी तक इस पंछी को पहचान नहीं पाए होंगे। दरअसल आम भाषा में इसे टिटोनी या टीटीहरी कहा जाता है। इसे मैदानों, झीलों या नदी के किनारे या जंगल और खेतों में आसानी से देखा जा सकता है। मुख्य रूप से यह एशिया में पाया जाता है। पेड़ पर सोते हुए पंछी गिरते क्यों नहीं हैं, कभी आपने सोचा है? तो सुनिए, पंछियों को सोते समय डाल से ना गिरने का पहला कारण है कि उनके दिमाग का एक हिस्सा सोने के दौरान जागरूक रहता है। दूसरा कारण, उनके पैरों की बनावट। कुदरत ने उन्हें किसी भी वस्तु को अच्छी तरह जकड़ने की क्षमता दी है, जो सोते समय उनके पंजे टहनियों को जकड़ लेते हैं, और यही वजह है कि वो सोते वक्त भी डाल से नहीं गिरते।